हेलो डियर फ्रेंड्स, मनप्रीत की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी, और वो भी तीन टाइप की। हमारे यहाँ हर खाने में चटनी खाई जाती है, चाहे नारियल की चटनी हो, या पुदीने धनी की चटनी हो, या फिर इमली की चटनी हो। तो आज हमें तीनों चटनियाँ बना के दिखाती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पुदीने और धनिया की चटनी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए, ये है पुदीना 1 कप, धनिया 1.5 कप, और ये कच्ची आमी हमने एक ले ली है, मीडियम साइज़ की थी। एक हरी मिर्च लेंगे, और एक तुर्री लहसुन की, और एक छोटा पीस अदरक का डालेंगे, और ये प्याज डालेंगे, मैंने 2 ले लिए मीडियम। और जो चीनी, अनारदाना, वाइट नमक, ब्लैक नमक, और ये थोड़ा जीरा डालेंगे, और काली मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं पुदीने की चटनी। वाइट ये हम पुदीना डाल लेंगे, ये अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, आम, और ये एक हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें डालेंगे काला नमक, वाइट नमक, जीरा साबुत, ये अनारदाना, और ये धनिया पूरा डालेंगे, और ये 2 प्याज। चीनी हम 4 चम्मच डालेंगे, अब इसको ग्राइंड करेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे 1/2 कप, और इसको पुदीने और धनिया की चटनी पीस कर तैयार है। इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारी धनिया की चटनी बनके तैयार है, देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। चलिए शुरू करते हैं अब सेकंड चटनी, इमली की चटनी। ये मैंने इमली को 1 घंटा भिगो दिया था गर्म पानी में, और उसको फिर उसको छान के उसका पल्प कलेक्ट कर लिया है। इसमें जाएगा काला नमक, भुना हुआ जीरा, वाइट नमक, और ये काला नमक, और ये चीनी जाएगी। चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, अराउंड 10 चम्मच पड़ेंगे, क्योंकि खटास में चीनी ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पैन में हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो इमली की चटनी को हमने उबालने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। इस चटनी को बना के हम ठंडा करके बोतल में भर लेंगे, और इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको हम मिनिमम 6 मंथ तक हमारी ये चटनी ठीक रहती है। तो इसमें अभी डालेंगे ये काला नमक 1 चम्मच के आसपास, वाइट नमक इसमें पड़ेगा, ये काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा, और ये चीनी हम पूरा डालेंगे, 1/2 कप है। तो इसको पूरा अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे। तो ये हमारी चटनी उबलनी शुरू हो गई है। इसको हम 5 मिनट उबालेंगे, और थोड़ा गाढ़ा करेंगे इसको। हम इसमें चीनी की जगह गुड़ भी मिला सकते हैं, चीनी नहीं डालेंगे तो गुड़ डालेंगे, या फिर हाफ चीनी हाफ गुड़ डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसको उबलने देंगे अभी। ये हमारी इमली की चटनी बन के तैयार है, देखिए हम इसको इतना ही रखेंगे, क्योंकि ठंडी होकर भी ये गाढ़ी हो जाती है, तो फिर बॉटल से निकलने में मुश्किल होती है। तो इसको बंद कर देंगे, और इसको ठंडा करके बोतल में भरेंगे। चलिए अब बनाते हैं नारियल की चटनी। ये मैंने हाफ फ्रेश नारियल ले लिया है, इसका ब्राउन पार्ट निकाल देना है छील के, और ये हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। 1/2 कटोरी इमली का पल्प है, ये चने की दाल 1 कटोरी है, इसको हम रोस्ट करेंगे। आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं, और ये चने की दाल को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। जीरा लेंगे 1 चम्मच, और नमक, लहसुन 2 तुरी डालनी है, और थोड़ा सा अदरक डालना है। और इसकी टेम्परिंग के लिए हमने ब्लैक सरसों लेनी है, रेड चिल्ली लेनी है, और थोड़ी सी हमें हींग चाहिए। तो करी पत्ता भी डालना है, लेकिन मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो उसको स्किप कर रहे हैं। चने की दाल को भूनेंगे, चने को हम धीरे धीरे भूनेंगे, और धीमी आंच पे
और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो ये नारियल की चटनी जो है वो हम इडली, डोसा, उपमा, उत्तपम किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। वो ये चने की दाल हमारी भुन चुकी है, इसमें से सेंट आनी शुरू हो गई है। तो इसी में हम दाल में जीरा डाल देंगे, ये लहसुन भी डाल देंगे, इसकी हीट से ये पक जाएगा। ये थोड़ा सा अदरक, इसको बंद करते हैं और इसको जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको अब पीसेंगे। तो ये हमारी चने की दाल ठंडी हो चुकी है, अब इसको पीसेंगे। चने की दाल हमने डाल दी, इसी में डालेंगे ये नारियल, अदरक, ये एक हरी मिर्च और ये इमली का पल्प। इसी में जाएगा एक चम्मच नमक। अब इसको पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। ये चटनी में अभी थोड़ा सा और पानी पड़ेगा तो पानी डालते हैं अभी। ये चटनी हमारी ग्राइंड हो गई है, इतनी थिक ही रखेंगे इसको। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। अब इसकी टेम्परिंग करेंगे। ये चटनी को हम अपने बर्तन में निकाल लिए हैं, अब इसको तड़का लगाएंगे। सरसों का तेल ही लेंगे इसके लिए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम हींग, रेड चिली जो हम छोटे छोटे पीसेस में काट लिए इसको, और ये ब्लैक सरसों। तड़का हमारा भुन के तैयार है, अभी इसको चटनी के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रिज में रख देंगे अभी इसको। तो फ्रेंड्स, हमारी तीनों चटनियाँ बन के तैयार हैं। इसको हम उपमा या फिर इडली डोसे के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है घर की चटनी। इसको दो दिन ही रख सकते हैं क्योंकि इसमें नारियल होता है तो जल्दी ही ख़राब हो जाती है, तो फ्रिज में रखेंगे तो दो दिन निकल जाएंगे। तो ये धनिया पुदीने की चटनी और इधर है इमली की चटनी, इसको मैंने बोतल में शिफ्ट कर लिया है तो इसको आप काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो तीनों चटनियाँ आप भी मेरी विधि से बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने बनाई तो कैसी बनी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।